तो भैया जी बोले तो अपन यहाँ पे एक तड़कता भड़कता गेम खेलने जाते, इसका नाम होता है थीफ पजल। अरे बेटे के बेटे मतलब गेम वाले अपन को एक नंबर का चोटा बनाना चाहते हैं साले, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, और बेटा का लेवल नंबर 46, और बेटा के पुलिस वाला देखो तो सही साला लोड़े पे चाबी लटका के बेटा। लेकिन वाह क्या सीन है। कोई बात नहीं, इसके लोड़े पे हाथ नहीं जाना चाहिए बोसड़ी का तेरा, कसम से वरना इसका लोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन कोई बात नहीं, अरे बैठक और कसम से अगर इन पे अड़ गया ना तो तेरा हाथ या तू अपना अपना लोड़ा हिलाने का भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई तेरा हाथ ही पूरा कट जाएगा बोसड़ी का। तो भाई साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ, घूम घुमा के जा आराम से। अरे भाई साहब इधर चेयर की इधर से जा सकते हैं क्या? जा तो सकते हैं वैसे। अरे बेटे के बेटे आराम से। अरे बेटे के बेटे नीचे से कसम से भाई चड्डी पे हाथ मत डाल देना, चड्डी के अंदर हाथ मत डाल देना बोसड़ी के, वरना लोड़ा हिल जाएगा और कसम से एक दो झाट के बाद तो तेरे हाथ में भी आ ही जाएंगे। अरे बेटे की चाबी तक पहुंच गया, चाबी तक पहुंच गया, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, धूम मचाले। और बेटे की ससुर की देखो तो सही टॉप भी उड़ गई बोसड़ी वाली की, साला चाबी गई कहां, मेरे लोड़े को भी पता नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, अपन चलते अगली वाली लेवल की तरफ। अरे बेटे के मेरे को तो यहाँ पे मोस्ट वांटेड वाला लगा रखा है मेरा फोटो। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इसको तो मैं अभी हटाता हूँ छुट्टियों देने की। है मैडम पलटना, ये दो लोंडो के बीच में ये लोंडिया क्या कर रही है साली। लेकिन कोई बात नहीं, अरे भाई साहब जी मेरे को ये फोटो हटाना है कैसे भी करके। तो अरे यार ये तो बड़ा ही सिंपल है, लाइट के ऊपर से जाओ। अबे बोसड़ी वाले इसकी गांड के नीचे से मत चला जाना, तो कसम से वरना लड़कियों को पता लग जाता है। भाई साहब फोटो डाले। अरे बेटे की अरे ससुरी ये मैडम तो देखो जीप को लबलबा रही है, मेरे को लगता है मेरा चुम्मा लेगी या फिर मेरा चूसेगी। देखो तो सही भाई जीप को चुम्मा ले रही, मतलब वैसे कंट्रोल। अरे बेटे की अरे मैडम मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, अगर चलना हो ना तो ओयो मेरे नंबर लिख लो और ओयो आ जाना डायरेक्ट, उधर से कचुम्मा चाटी भी कर लेंगे, वो तुम्हें जो लेना है ना वो भी ले लेना, वो कसम से जो देना है ना वो भी दे देना अपन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलते यहाँ पे अगली वाली लेवल की तरफ। अबे डोंट गिव अप। अरे बेटे की रीट्राई करना पड़ेगा भाई साहब जी, मैं यहाँ पे अच्छा जी अब मैं समझा, मतलब चारों को एक साथ निपटाना है। अरे बेटे की चारों लपक ले। अरे बेटे की लपकना साले, अरे ये हुई ना बात, चारों को एक साथ लपक के गांड में डाले भाई, इनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि तस्वीरें गई तो गई कहाँ भोसड़ी के। अपन चलते अगली वाली लेवल की तरफ। अरे भोसड़ी का देखो तो सही, यहाँ पे मेरी जैकेट पहन के बैठा भाई, और भाई साहब जैकेट भी कैसी है, कॉन्डम जैसी है साली। लेकिन कोई बात नहीं, अरे बेटे की चल, अरे भोसड़ी वाला यहाँ पे तो ये बर्फ की तोप लगा रखी है सालों ने। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेरे लोड़े से लेके मेरे हाथों से लेके मेरे पैरों से लेके मेरे थोपड़े से सारे का सारा जम गया। लेकिन एक सेकंड भाई, वो तो झाट के बाल गर्म हो रहे थे इसलिए भाई थोड़ा बहुत पिघल जाऊंगा मैं। अपन चलते हैं वापस से। अरे बेटे की आराम से घूम घुमा के जाओ, इतनी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना भाई, आराम से जाना। हाँ बेटे की कसम से अगर तो इसके सामने आ गया तो तेरी जिंदगी के तो लोड़े लगेंगे, इसी तरह लोड़े के भी लोड़े लग जाएंगे, क्योंकि भाई वो बर्फ में जम जाएगा पूरा का पूरा ही। अरे बेटे की अरे बेटे इधर से निकल लेना यार, क्यों उसके आगे से जाना है तेरे को। ये आजा बसंती, ये बेटे की अरे देखो तो सही नंगा पतंगा तेजाजी का झंडा। अबे बोसड़ी के अरे देखो सही मेन पॉइंट को छुपा के रखा हुआ। अरे बेटे की मेरा लोड़ा दिखना नीचे, अबे छोटा सा क्या, मतलब बिल्कुल ही लोड़ा नहीं दिख रहा तेरा, तो काहे लोड़ा है भी सही या नहीं है मेरे को तो ये भी पता नहीं लग रहा, काहे क्या चीज छुपा रहा है तू, मेरे को बस इतना बता दे।